जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। आज है 9 अगस्त फ्राइडे और आज मार्केट खुलते ही ठीक ठाक पॉजिटिव है। तकरीबन 1% पॉजिटिव चल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 0.85% अब चल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरी डेली की म्यूचुअल फंड अपडेट शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में टोटल अभी 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि टाटा स्मॉल कैप, कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी फंड, मीरा एसेट, टैक्स सेवर फंड और आईडेंस आईसीआई प्रूडेंशियल नैसडेक 100 था। जैसे कि आप जानते हो मैंने इसमें 5,22,888 रुपया इन्वेस्ट किया है और अभी इसकी करंट वैल्यू है 8,93,088 रुपया। उसमें मेरे को टोटल रिटर्न मिला है 3,70,199 रुपया, जो कि 71% है। मेरा वन डे का रिटर्न है इसमें कुछ भी नहीं। ये शायद ऐसे पहली बार ही हुआ है जो कि कुछ भी निगेटिव ना पॉजिटिव रिटर्न मिला है, मात्र 0.95% निगेटिव रिटर्न है। एक दिन में मेरे टाटा स्मॉल कैप ने मेरे 1,239 रुपया पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने 723 निगेटिव, पराग पारिक ने 394 निगेटिव, मीरा एसेट टैक्स सेवर ने 525 रुपये निगेटिव और आईसीआई प्रूडेंशियल नैसडेक फंड ने 402 रुपया निगेटिव रिटर्न दिया है। आज मार्केट ठीक ठाक अब चल रही है तो हो सकता है कि कल अपना पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहे। अपने सब्सक्राइबर साहिल दहिया भाई साहब की क्वेरी है, उनका कहना है मेरा एसआईपी पोर्टफोलियो वो रिव्यू कर दो। उन्होंने कौन स्मॉल कैप में 4,000 की एसआईपी की है, निप्पॉन स्मॉल कैप में 4,000 की, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000 की, कौन स्मॉल कैप मिड कैप में 4,000 की, निप्पॉन लार्ज कैप में 4,000, जेएम फ्लेक्सी कैप में 4,000, जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड में 4,000, इनोस्को इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,000, एसबीआई पीओसी 5,000। उन्होंने टोटल 9 फंड लिए हैं और उनमें 38,000 की एसआईपी वो कर रहे हैं। आपको इतने फंड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टोटल जो ऊपर के 6 फंड हैं, जो कि कौन स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कौन लार्ज एंड मिड, निप्पॉन लार्ज कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप, इनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। और आप जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड से और इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर और एसबीआई पीओसी, ये दोनों फंड है, ये सेक्टरल फंड है, ये बहुत रिस्की होते हैं, उससे अच्छा आप जो ऊपर की 6 फंड है उसके साथ कंटिन्यू रह सकते हो। तो भाई का भी क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं भाई प्लीज़ मेरा एसआईपी एलोकेशन रिव्यू कर दो। उन्होंने निप्पॉन स्मॉल कैप में 2200 की एसआईपी की है, पराग पारिक प्लस की आप में 2400 की, कौन एलएस टैक्स सेवर में 2400 की, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में 900 की, मोतीलाल ओसवाल नाडेक 100 में 900 की। तो इन्होंने टोटल 5 फंडों में पैसा लगाया है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप तो ठीक है, पराग पारिक भी ठीक है, आपको अगर एलएस फंड की ज़रूरत नहीं है तो आप उससे निकल कर स्मॉल कैप और पराग पारिक प्लेक्सी कैप में वो पैसा बढ़ा सकते हो। और ये माइक्रो कैप जो है मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250, वो भी बड़ा रिस्की होता है। माइक्रो कैप कंपनी होती है वो स्मॉल कैप से भी छोटी होती है, तो उनके डूबने के चांसेस भी रहते हैं। ये थोड़ा रिस्की होने के कारण आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। और ये नैसडेक फंड तो आपको पता है यूएस बेस्ड है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू रह सकते हो। तो आप एलएस फंड से भी निकल सकते हो और माइक्रो कैप इंडेक्स है उससे भी निकल सकते हो, और वही पैसे आप स्मॉल कैप और पराग पारिक में और नाडिया फंड में लगा सकते हो। और निधि राजपूत जी का क्वेश्चन है कि टाटा स्मॉल कैप फंड में लमसम नहीं है तो क्या बस एसआईपी का ऑप्शन आ रहा है? तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपको जितने का भी लमसम करना है, 1,000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, आप उतने की एसआईपी कर दो और जब आपको दूसरे दिन यूनिट अलाउट हो जाते हैं तब आप उस एसआईपी को कैंसिल कर देना, बस आपका हो गया लमसम, इतना ही है बस। अगर आपके भाई को भाई की या किसी की क्वेरी है या किसी को पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, आपका मैं अगले वीडियो में पोर्टफोलियो रिव्यू कर दूंगा या जो भी क्वेरी है उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।